आज हम मात्राएं पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर बड़ा की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, ये मात्राएं होती हैं, आ से अह तक की ये मात्राएं होती हैं, ठीक है, जिसका यूज करके हम शब्द बनाते हैं। ओके, छोटा की मात्रा कुछ नहीं होती, जैसे बड़ा की कैसी मात्रा होती ये होती है, छोटी की ऐसी होती है, बड़ी की ऐसी होती है, छोटाओ की ऐसी होती है, बड़ाओ की मात्रा ऐसी होती है, ठीक है, ऋषि की ऐसी होती है, नीचे लगती है कि ऐसे नीचे व्यंजन के नीचे लगती है, ए की मात्रा ऐसे होती है, ए की ऐसे होती है, ओ से ओखली की ऐसे होती है, औ से औरत, अंग और आह, ठीक है, तो इसका यूज करके हम शब्द बनाएंगे। तो अब हम आते हैं जैसे बड़ा आ की मात्रा वाले शब्द, ठीक है, हम जो है शब्द में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे और एक नया शब्द बनाएंगे। जैसे ये क्या दिख रहा है आपको, टमाटर, तो ट और माँ, माँ में लगी है बड़ा आ की मात्रा तो इसको क्या बोलेंगे, माँ, तो ट मा टर, आ में बड़ा की मात्रा लगी है तो क्या हो गया, आग, ह में बड़ा की मात्रा लगी और था तो क्या बन गया, हाथ, अ नार, जहाज, ठीक है, और भी शब्द हैं तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, जैसे पान, माता, जाल, राम, जब बड़ा की मात्रा होती है तो उसको हम आ तेज करके बोलते हैं, जैसे माला, दाग, नाक, और जिसमें मात्रा नहीं होती उसको हम धीरे से बोलते हैं, जैसे नाक, बाल, ताला, आग, हाथ, हाल, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। ओके, फिर नेक्स्ट पेज में आते हैं, ये पैरा दिया हुआ है, ये भी आपको पढ़ना है, राजन घर आ, माता का कहना मान, ठीक है, तो ये आपको पूरा पैरा पढ़ना है। फिर आते हैं इसकी एक्सरसाइज, इसमें आपको क्या करना है कि बड़ा की मात्रा लगानी है और एक नया शब्द बनाना है, ठीक है, जैसे ये आपके वर्ण दिए हुए हैं तो ये जो खाली स्थान है, खाली जगह दिख रही है आपको, इसमें बड़ा की मात्रा लगानी है, आ में बड़ा की मात्रा लगाए, स म, फिर मा में बड़ा की मात्रा लगाए तो क्या बन गया, आ स मा न, तो यहाँ पर हमको लिखना है आसमान, ठीक है। फिर आता है का में बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, का जल, तो यहाँ पे काजल लिखना है, ऐसी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, शब्द चुनकर यहाँ पे लिखना है, जैसे माता का क्या कर, आदर कर, झटपट खाना खा, राघव बाजार, पाठशाला, कहाँ गया राघव, राघव पाठशाला जा, आसमान पर काजल या बादल छाया, क्या छाया, बादल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चित्र पहचान कर शब्द के आगे सही का चिन्ह लगाना है, जैसे चित्र है तो ये क्या है, अनार, तो यहाँ पर हमको अनार में ऐसे सही का साइन लगाना है, ठीक है। फिर ये क्या है, आम, तो आम में लगाना है, बाजा, गमला। फिर ये आपको सुलेख लिखना है, मामा आए, मामा आए, लाल लाल टमाटर लाए, ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर आपकी एक हिंदी की बुक और है, ये आपकी बुक आती है स्वर रचना, इसमें भी आपको बड़ा की मात्रा की एक्सरसाइज हैं वो आपको करनी है, जैसे ये इसमें भी बड़ा की मात्रा के शब्द हैं तो वो आपको यहाँ पे पढ़ पढ़ करके फिल करने, इसमें भी एक्सरसाइज है, आप आपकी कॉपी में बुक में डेट ज़रूर डालेंगे आज की, ठीक है। और फिर इसमें क्या करना है आपको, बड़ा की मात्रा लगा करके सही शब्द बनाने हैं, जैसे ग, ग य, ग में या आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गाय, स ल द, तो ला में बड़ा की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सलाद, ठीक है। तो ये आपको होमवर्क रूप में करना है, ठीक है, खुद से करना है ये, और ये फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है, ठीक है, यहाँ पर वाक्य पूरे करने हैं, शब्द दिए हुए हैं, जैसे मामा लाया था, क्या लाया था, आम, अमन एक समझदार लड़का था, वह मामा का आदर करता था, राजा का मामा आया, ठीक, ये आपकी बुक की एक्सरसाइज हो गई। फिर आपको ये कॉपी में भी करना है, ठीक है, जैसे बड़ा की मात्रा के शब्द हैं तो इसको जोड़ करके लिखना है, जैसे का में बड़ा की मात्रा लगाई, जल, तो क्या बन गया, काजल, बा में बड़ा की मात्रा लगाई, जा में बड़ा की मात्रा, तो बाजार, ये होता है जोड़कर लिखना, और ये होता है शब्दों को तोड़कर लिखना, इसमें क्या होता है हम शब्द और जो मात्रा है उसको तोड़ तोड़ कर लिखते हैं, और फिर ये जो आपको इतना सुलेख लिखना है अपनी कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग से और पढ़ पढ़ करके लिखना है, ठीक है। राजन घर आ, माता का कहना मान,
तो ये आपको आज बड़ा की मात्रा के शब्द बताए गए हैं, तो आपको अपनी कॉपी और बुक एक्सरसाइज में लिखना है। ओके।